नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत शर्माली। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लाइफ ओके पर। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि लोग ये चैनल देख रहे हैं, जो मैं उपाय बता रहा हूं उनको संपन्न कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आगे 29 नवंबर को, 29 नवंबर को जो गुरुवार आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा गुरुवार है साल का, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन। उस दिन संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों की कुंडली वगैरह आप मेरे से दिखा सकते हैं। घर में कोई वास्तु दोष हो, यदि कोई वास्तु दोष हो तो भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। कुछ भी हो तो भी आप मेरे से, कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए आज अपन बात करते हैं कि 29 नवंबर को जो गुरुवार है, उस दिन आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो, और यदि पुत्र नहीं हो तो पुत्र की प्राप्ति हो, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम उस दिन घर में जो भी हो पीला सूट पहने, पीला वस्त्र धारण करें, पीली साड़ी हो तो साड़ी पहने। उस दिन गुरुवार के दिन व्रत रखें, गुरुवार के दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु को नमस्कार करें, और सर्वप्रथम आप हैं वो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं। 1.25 किलो है लड्डू लेकर के जाएं, मोतीचूर के भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। वहां से आकर के आपको 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चने की दाल, वो एक अलग पात्र में लेकर के रख दें, और भगवान विष्णु के आगे घर में दीपक प्रज्वलित करें। यदि विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप विष्णु की प्रतिमा लेकर के आए, और उसके बाद भगवान विष्णु की आप पूजा करें। पूजा करने के बाद जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है, वो दीपक पूरे घर में आपको थाली में लेकर के पूरे घर में उसको घुमा देना है, घर से बाहर नहीं निकले। कहने का मतलब आपको गुरुवार का व्रत जो है वो शुरू कर देना है। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो ये गुरुवार की मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन, बोले तो 29 नवंबर को जो गुरुवार आ रहा है, वो साल का सबसे बड़ा गुरुवार है और संतान प्राप्ति के लिए सबसे ही श्रेष्ठ गुरुवार है। तो उसी दिन से आप सबको है गुरुवार का व्रत है वो झेलना है, पीले वस्त्र धारण करना है। पीली साड़ी हो तो साड़ी, सूट हो तो सूट, जो भी हो, लेकिन आपको पीले वस्त्र धारण करने है। यदि दोनों पति पत्नी यदि उपवास रख सकते हो तो दोनों पत्नी पत्नी रखें, दोनों पति और पत्नी रख सकते हैं। यदि पति यदि नहीं रख सकता है कोई बात नहीं, पत्नी को अवश्य ही व्रत संपन्न करना चाहिए। और ये जो मैंने आपको ये उपाय बताया है, इसको आप अवश्य ही संपन्न करें। भगवान कृष्ण के मंदिर जाकर के आए, भगवान विष्णु की पूजा करें, और 1.25 किलो गुड़ और चने की दाल, जब पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद किसी गाय को आप खिला सकते हैं। ये व्रत जो है आपको लगातार करीबन 11 गुरुवार, 11 गुरुवार आपको संपन्न करने हैं। नीचे ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, और जल्द से जल्द आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको उपाय बताता हूँ वो आपको अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं अपनी बोली को विश्राम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। और यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर पूरा वीडियो देखिएगा, आपको नंबर एक बार जरूर दिखाई देंगे, उस नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर पूर्ण रूप से जवाब दूंगा। ओम नमः।